Hello everyone, welcome back to my channel. I hope everyone out there is fine. We all are home arrested, we cannot go out. So why not we utilize time well, take care of health and skin. So in this video, I have a home remedy. In 5 minutes, your face will be good. Glow, you will be much better. So let's start. तो हम यूज़ करेंगे हल्दी और बेसन. मैंने ऑलरेडी इस बॉक्स में दोनों मिक्स करे हुए हैं. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है विटामिन ई कैप्सूल, देन एलोवेरा जेल मार्केट वाला या फिर प्लांट जो आपकी स्किन को सूट करे. देन शहद, मैंने मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मैं हनी यूज़ कर रही हूँ. अगर आपकी ड्राई है तो आप कच्चा दूध यूज़ कर सकते हैं और अगर सेंसिटिव है तो रोज़ वाटर. देन हमारा आता है मैजिकल इंग्रेडिएंट जो है सूखे गुलाब के पत्ते. आपको गुलाब के फूल को तोड़ना है, उन्हें सुखाना है और ऐसे स्टोर कर लेना है. अब हम अपने फेस के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स को इस बोल में डाल लेंगे और फिर करेंगे मिक्स. हमारा पैक अब रेडी हो चुका है, अब हम इसे करेंगे अप्लाई. इस पैक में हमने यूज किया था रोज. रोज में एंटी बैक्टीरियल एंड एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे पोर्स को टाइटन करती हैं, साथ ही साथ हमारी स्किन में ग्लो लाती हैं और हमारी स्किन में पीएच बैलेंस को मेंटेन रखती हैं. साथ में हमने यूज किया था बेसन और हल्दी. ये हमारी स्किन को ग्लो तो करते ही है, साथ में टैनिंग और डार्क सर्कल्स को भी रिड्यूस करता है. फिर हमने यूज किया था हनी. हनी एक नेचुरल एंटी बैक्टीरियल है जो हमारे एक्ने को रिड्यूस करता है और स्किन को मॉइस्चराइज करता है. Homemade remedies bring natural glow to your skin and are always better option than chemical wale market mein milne wale products. Maine is video mein use kiya tha as a face pack. Aap chahe to isse as a face wash bhi use kar sakte hain.